हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन जो है जिग्सो पजल्स का। तो यहाँ पे आज हमारे पास जो है फनस्टॉक द्वारा बनाए गए जो है तीन डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बनाए हुए जिग्सो पजल्स है। तो यहाँ पे पहला वाला जो है वो अल्फ़ाबेट और नंबर बेस्ड जो है 2-in-1 जिग्सो पजल है। दूसरा जो है स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका इसके अंदर जो है शेप्स नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट है। इसके अंदर जो है स्पोर्ट्स ट्रांसपोर्ट जो है टॉपिक पे जिग्सो पजल है और इसके अंदर जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जिग्सो पजल है। ओके, तो ये 2-in-1 जो है पजल का मॉडल है जिग्सो पजल का और इसके अंदर जो है चार अलग अलग टाइप की जो है डिफरेंट टाइप की जो है आपको पजल मिल जाती है, ठीक है ना। तो इसकी जो है प्राइस है 146 रुपीज़ है, 54 पीसीज इसके अंदर आते हैं। ओके, तो फन स्ट्रोक जो है यहाँ पे आप इसका जो है आउटलुक देख सकते हैं और इसके अंदर जो है पिंक ब्राउन और ब्लू डिफरेंट काइंड ऑफ मे बी कुछ कॉम्बिनेशन है। ओके, अल्फाबेट शेप्स नंबर एंड अल्फाबेट। ओके, तो इस तरीके के शेप्स जो है उसके यहाँ पे आपको जो है अंदर एक पूरी शीट मिल जाएगी नंबर्स की मिल जाएगी और अल्फाबेट जो है उसकी दो शीट्स है, क्योंकि 26 अल्फाबेट जो है वो मे बी एक में नहीं आ पाते होंगे, इसलिए इन लोगों ने इस तरीके से दो जो है उसकी अलग से शीट्स जो है बना दी है, पजल्स बना दी है। तो टोटल जो है इसके अंदर चार आपको चीज़ें मिल जाएगी। इसको अभी मैं खोल के नहीं बता रहा हूँ, बट फनस्टॉक कंपनी जो है उसकी प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की आती है और 3 साल से बड़े बच्चे जो होते हैं वो इससे जो है आराम से खेल सकते हैं और उनकी क्रिएटिविटी जो है काफ़ी जो है इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या शीट्स आपको मिलती है। तो ट्रांसपोर्टेशन के दो इसके अंदर है और स्पोर्ट्स के भी जो है दो है, इस तरीके से आपको जो है इसके अंदर मिल जाता है। और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो है उसके अंदर क्या मिलता है, तो इसके अंदर जो है फ्रूट्स के वेजिटेबल्स जो है उसके दो है और फ्रूट्स के भी दो शीट, टोटल चार जो है आपको शीट मिल जाती है। और बच्चों को जब आप खेलने के लिए दो एक बार उसको जो है देखने दीजिए और बाद में इसके जो है पीसीस करके एक बक्से में भर दीजिए और उनको बोलिए कि भाई अब जो है ये चारों शीटों को जो है वो बनाए। अगर वो डिफ़िकल्टी लेवल तक वो नहीं जा पाता है तो फिर क्या करें कि खाली एक एक शीट जो है उसके चार बक्से के अंदर जो है आप भर के दे दीजिए और उसमें से फिर एक एक इसको देख के भी अगर करना चाहे या तो फिर एक बार देखने के बाद याद रख ले और फिर उसको जो है छोड़ने की कोशिश करें। तो 2-3 तरीके से इसको जो है आप करवा सकते हैं। बच्चों की जो है थिंकिंग, मेमोरी पावर और ये सब वर्ड्स को याद रखना, इमेजेस को याद रखना। वैसे आप एक मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बता दूं कि बच्चों को जो है खाली इमेज दे के कोई चीज़ ना सिखाए, ये चीज़ फिजिकली ला के आपके घर पे ला के अगर जैसे कि इसके अंदर मैंगो है, इसके जो पोमग्रेनेट है, पियर है, पाइनएप्पल है, पपैया है, स्ट्रॉबेरी है, तो इसको जो है जब भी आप ये चीज़ को आप खेलने के लिए दें तो ये सब चीज़ों को आप घर पे भी ला के रखें जिससे कि बच्चे जो है फिजिकली ये सब चीज़ों को जो है एक बार देखें, अनुभव करें और इसको जो है चीज़ों को याद रखें। क्योंकि ये खाली इमेज से जो उसके दिमाग में ये चीज़ के लिए जो प्रैक्टिकली जो है इमेज बनती है वो 2-डाइमेंशनल होती है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती, उसमें कोई टेस्ट वो इमेज के अंदर नहीं होता है। तो उस रीज़न से वो जो है उसको याद तो है बट एक्चुअल में क्या है चीज़ वो उसको पता ही नहीं चल पाता है। तो अगर आप पॉसिबल है तो उस तरीके से आप इसको मतलब ट्राई करें सिखाने के लिए, बच्चों को जो है बहुत ही जल्दी याद भी रह जाएगा और लॉन्ग टर्म तक उसको याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। दूसरी चीज़ के ये तीनों प्रोडक्ट जो है उसकी होलसेल प्राइस को जो है मैं रिवील करूँगा और एक्चुअली हाँ ये 146 में आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा और ऑनलाइन मार्केट में भी आराम से मिल जाएगा। उसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसको जो है आप अपने बच्चों को गिफ्ट में दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो है उसके बच्चों को भी आप गिफ्ट में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो है होलसेल प्राइस को भी मैं रिवील करने वाला हूँ जब ये वीडियो पे 500 लाइक्स और 100 कमेंट्स आ जाते हैं। तो तीनों की जो है होलसेल प्राइस, वैसे तीनों की प्राइस सेम ही है तो होलसेल प्राइस भी सेम है तीनों की, तो वो मैं रिवील कर दूंगा ये वीडियो जो है इसके डिस्क्रिप्शन में। और अगर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं ये चैनल पे तो ये जो है सभी प्रोडक्ट्स जो भी मैंने अनबॉक्सिंग किए हैं सभी के होलसेल प्राइस को मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा जो है ये ऐसे टॉयस है जिससे जो है बच्चे अकेले खेल सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि दूसरे जो टॉयज आते हैं वैसे 3 साल के आसपास के बच्चे जो होते हैं उनको ये पजल करनी अच्छी लगती है, मतलब उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और वैसे उनको भी गाइडेंस तो थोड़ा बहुत चाहिए होता है, तो उसके पेरेंट्स अगर साथ में होंगे तो ही इनिशियल स्टेज पे शायद वो इसको कर पाएंगे। बट ज़्यादातर जो है अभी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है इस तरीके के पजल के बुक्स नवनीत के भी आते हैं, बड़ी पजल्स भी आती है, पजल मैट भी आती है, मतलब बहुत बड़ी होती है वो,
उसके अलावा जो है कंस्ट्रक्शन टॉयज आते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं, तो ऐसे टॉयज जो है आप अपने बच्चों को गिफ्ट में दें जिससे कि वो खुद से ही जो है खेल सके, किसी और की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो यहाँ पे उसके अलावा जो है हम एक और इनिशिएटिव जो है शुरू करने वाला है, जिसके अंदर जो है बहुत सारी आपको पता ही होगा कि महिलाएं जो है हाउस वाइफ है, घर से कुछ अर्निंग करना चाहती है, या तो फिर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 10वीं 12वीं डिप्लोमा करके या तो फिर बी ए बी कॉम एल एल बी करके या तो फिर इवन इंजीनियरिंग करके जो है घर पर बैठे हैं और मैं भी थोड़ा बहुत प्राइवेट में जॉब किया हो बट कुछ मज़ा नहीं आ रहा हो और वो चाहते हैं कि खुद का बिजनेस करें, तो यहाँ पे हम एक वीडियो सीरीज जो है निकालने वाले हैं जिसके अंदर जो है आप स्टेशनरी बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, प्लास्टिक का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, गमले होते हैं, किचन में भी बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ होती है, तो उस तरीके की चीज़ें जो है अलग अलग टाइप के बास्केट होते हैं, टबलर्स होते हैं, बकेट्स होते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें कैसे का बिजनेस कैसे करना है, टॉय बिजनेस, फिर गिफ्ट आर्टिकल का बिजनेस है उसको कैसे करना है, ऐसी ऐसी सेंटर कैसे स्टार्ट करना है, उसके अलावा जो है प्रोडक्ट फोटोग्राफी का काम कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, उसके अलावा जो है आप और क्या कर सकते हैं, हाँ स्टेशन सॉरी जेरोक्स प्रिंटआउट का अगर आपको शॉप स्टार्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके अंदर जो है आपको मटेरियल जो है मतलब प्रोडक्ट्स जो है कहाँ से लाना है, कौन सी प्रोडक्ट्स बेचनी चाहिए, आपका एरिया कौन सा है और किस तरीके का एरिया है, उसके हिसाब से आप अलग अलग प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करना है, किस पे कितना मार्जिन होता है, कितना बजट आपको निकालना पड़ेगा, ये सब चीज़ें जो है हम बारी बारी करके सीखेंगे, इसको जो है लोकल मार्केट में कैसे बेचा जा सकता है, घर से कैसे बेचा जा सकता है, रेंट पे दुकान लेके कैसे बेचा जा सकता है, उसके अलावा जो है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे अगर बेचना है तो कैसे बेचा जा सकता है, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्रेलर ट्रेल जैसे जो है वीडियो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है इसको कैसे सेल किया जा सकता है, तो ये सब चीज़ों को जो है हम बारी बारी करके सीखेंगे। ओके, और अगर आपको जो है 1-to-1 कंसल्टिंग चाहिए तो उसके पेड सर्विसेज रहेगी, उसके अप्रोक्सीमेटली 4,000 के आसपास चार्जेस आपको लगेंगे, अदरवाइज जो है ये वीडियोस जो है वो तो फ्री में ही है, आप उसको ध्यान से एक एक को देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको जो है आ जाएगी, फिर भी आपकी कोई छोटी मोटी क्वेरी होगी तो वो फ्री में कमेंट सेक्शन के अंदर सॉल्व कर दूंगा, और पेड सर्विस के अंदर जो है टेलीफोनिक कंसल्टिंग का हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।